दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो अभी मेरा दिन का गश्ती है, मैं गश्ती में आया हूँ। हालांकि एग्ज़ाम भी है 27 को, तो थोड़ा सा टाइम तो कम मिल रहा है, लेकिन चलिए सह लेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे। अब देखिए, कल को एग्ज़ाम है बिहार SSC का, तो उनके लिए मैं बच्चों से जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ तो बुज़ुर्ग भी हो गए हैं। 2014 में बहाली आई थी, अब 2020 हो गया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये अटेम्प्ट इतना सुनहरा अवसर है, इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है। और ख़ास बात तो आपने अपने लेवल पे तैयारी तो काफ़ी अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए, जो हवा उड़ने लगा है, मतलब बिहार के एग्ज़ाम में बहुत कॉमन हो गया है कि एग्ज़ाम जैसे ही आता है, एक दिन पहले 2 घंटे पहले कि पेपर लीक हो गया, और बच्चे जैसे पेपर लीक होने का न्यूज़ इधर उधर आता है, तो एक क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर दिमाग में बनने लगता है कि क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इस वजह से जो पिछले बार भी मैंने दरोगा में देखा कि बच्चे चार पाँच क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन थे गलत कर लेते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल जो आपके ऊपर प्रेशर बनता है, इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आएगा तो आप फिर गलत कर देंगे। इस वजह से सबसे बाकी सब चीज़ों पे मैं खास ये नहीं करूँगा, मैंने इस पे इसलिए जोर दिया कि ये हो सकता है कल भी उड़े, कि ऐसा है, हो सकता है, हो नहीं हो वो बात की बात है। आप भी उसमें विरोध करने में इन्वॉल्व हो या फिर ऐसा कि उड़ गया है, हो गया है, वो बात की बात है, लेकिन पेपर देने के बाद इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देना। यदि आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है ये होता है, तो ठीक है, आप अपने तक रखना। और एग्ज़ाम देना कि मतलब समझिए कि कोई कुछ नहीं हो रहा। मान लो आपको गलत सूचना मिल गया कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहा, और आप पूरे एग्ज़ाम में इजी तरीके से ले रहे हो कि अब तो भैया जो पेपर है लीक हो गया है, फिर से होगा, लेकिन पता चला कि पेपर कुछ दूसरा था। तो ये जो आपके ऊपर मतलब दिमागी प्रेशर है, इसको हावी नहीं होने देना है, एग्ज़ाम के बाद ये सब वाली बात है, ठीक है। और एक ये रही बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है, 14 से 21 मार्च को होना है, तो बच्चे उसके लिए जो लगे हैं, बेसिक पुस्तकें मैंने कितनी बार बताई है, लुसेंट काफ़ी है, क्राउन काफ़ी है, लेकिन आप और थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो घटना चक्र स्पीडी में से एक पुस्तक उठा लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाने लगा है बिहार पुलिस में, काफ़ी सिलेबस उसका बड़ा है, एरिया कवर करना है। उस पर जैसे एग्ज़ाम अगर हमारा भी बीत जाएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है, और ठीक है। तो पिछले बार एक हमने वीडियो बनाया था कि एक खेत थाने का, तो उसमें एक व्यक्ति जो थाने में कर रहे थे, बुज़ुर्ग थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं था, तो आपने कहा था, तो मैंने कहा था कि उनको दूंगा, तो फिर मैंने उनसे बात किया था, तो ये किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बाबू आदत है ऐसे ही करने का, पुराने लोग ऐसे ही करते हैं, तो उनको वैसे कोई भी दिक्कत नहीं था, वो खेत में ऐसे ही बटैया ले काम करते हैं। मैंने उनके बारे में कहा तो बोला कि उनको ये नहीं है, बट मैंने आपको कमिट किया था कि मैं किसी न किसी को दे दूंगा। तो एक कल शाम में मुझे बुज़ुर्ग मिले थे, मैंने उन्हें एक स्वेटर दे दिया था, एक आज रास्ते में मिल गए, कल तो ये नहीं कर पाए, एक आज मिले तो उनके पैरों में चप्पल नहीं था, तो मुझे लगा कि ये कर लेना चाहिए, तो मैंने दे दिया। मैं एक ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ, बट ये चीज़ है कि आप छोटी छोटी खुशियाँ ये करोगे तो आपको बड़ा खुशी मिलेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मान लीजिए कोई मेरे को ऐसे मिलता है रास्ते, मैंने अपने पॉकेट से 85 रुपये कर दिए, लेकिन वो खुशी अलग होती है। तो इस तरीके से आपको भी उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं दिखाता हूँ बाबा का पैर, और उनको मैंने समोसे और एक चप्पल और एक और भी दिला दिया है, अब देखिए थोड़ा सा ही दिखाऊंगा। हाँ बोली बाबा, बोली। अब चप्पल ठीक होत बा ना? अब सिंघाड़ा उंघाड़ा भी झोला उला मिल गई है सब? तो अब तनी ठंड जा, ठंडा उंडा के व्यवस्था बा ना? ठंडा के बा ना, कमल पहले रहुआ कहाँ काम उम करते रही ना? आसाम में रहिला, तो अभी आयल ही? ठीक बा, इनको ये कर दिए हैं, और कुछ उधर उनके प्लास्टिक में है चाचा के, और उनका अपना वहाँ पे रखा हुआ है, देखिए। तो ठीक बा ना, मतलब अब दिक्कत नहीं है ना कोई? हमने के ऐसे रही ला जा अथी में, कोई भी हो ना तो आई कह, ठीक बा नू? जमीन हमारा दखल में। अच्छा अच्छा, बजौली के लोग बना लगे बस, यही जा दुकान बनावे के पटना के से भाई बा। अच्छा ठीक बा, ऊ हमनी के देखल जी बाद में जाई रहुआ, कोई भी ये होई ना तो फिर कहब, ठीक बा ना? ठीक बा आई फिर, ठीक बा जाई। कितने साल के हैं? 90 साल के हो गए हैं अभी, हमको बहुत दो चार को आशीर्वाद भी दिए हैं, ठीक है, सब कुछ भगवान के दया से, सब चकाचक है। हाँ, चका
बुढ़िया बना के खिला ले पतो हल्का कर दी। अच्छा पतो हल्का कर दी, ये तब एकरा में हम का कह सकेला, लेकिन तो बड़ा दुख के बात बा बाबा। ठीक बा, भगवान सब देखिए, भगवान कोनो दुख ना हो, नहीं ना पूरा पिछिन मिला मोदी सरकार दे रहा 6000 करे। बढ़िया बा, बढ़िया बा, ठीक बा बाबा, प्रणाम, जय। हाँ तो वो ये वाला चाचा को ये तो कर दिया। अब एक और दो छोटी छोटी बातें थी दौड़ का, जो ये है रिजल्ट वगैरह का, देखिए थोड़ा सा डिले तो हो रहा है, लेकिन दिसंबर लास्ट तक वेट कीजिए, हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक में, और दो जनवरी को इसका दौड़ ख़त्म होगा। उसके 4-5 दिन बाद और भी दौड़ है, 100 अभिमान बटालियन का जो ये था भर्ती था, इसका दौड़ 2 जनवरी से है। उसमें 400 पोस्ट था, तो लगभग 2000 लोगों को बुलाया गया है, तो 2000 लोगों का होगा 5-6 दिन। तो वही उसके बाद वेट कीजिए कि डेट आए, मुझे लग रहा है कि 10 से 12 फरवरी के बीच में रेज डिपेंड ऑन रिजल्ट, फिजिकल वगैरह होगा दरोगा का, तो उस हिसाब से। और दरोगा 2024 वाला पोस्ट है नया वाला, जिसका 14 फरवरी था। अभी काफ़ी लोग ये कर रहे हैं कि उसमें सर मैट्रिक वगैरह का एग्ज़ाम है, 12 का भी है। तो देखिए आयोग आयोग ऐसे कुछ डिक्लेयर नहीं करता, ये वाला जो वैकेंसी था अचानक से आया था, मैंने सबसे पहले उस पर वीडियो बनाया था, 4 बजे आया था उसी पर मैंने, उसके बाद बनाया था, किसी को भी नहीं पता था चला था, जो बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं गुरु रहमान सर और जो भी लोग हैं, ठीक है। तो ये उसी एप पे होता है, पेपर वगैरह में पहले निकल जाता है। तो 14 फरवरी था, लेकिन अगर मान लीजिए तो जाएगा तो जाएगा, मार्च में जा सकता है, लेकिन अगर आप तैयारी अपनी 14 फरवरी के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा कि आप तैयार रहेंगे, हो सकता है डेट 20 दिन बाद आए तो आप अपने आप को फिर से मतलब रिवीजन के लिए तैयार रख सकते हैं ना। कॉम्पिटिशन बाबू देख लो, दरोगा में जो जॉब है मुझे लगता है पुलिस कांस्टेबल से भी आसान है लेना, अगर आप सच्चे मतलब अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम होता है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। और चलिए फिर मिलते हैं, अभी कुछ कुछ एग्ज़ाम है मेरा भी, शॉर्टकट्स ट्रिक्स वाले वीडियो काफ़ी मैं अपने लिए बनाता हूँ, मुझे लगता है कि उससे आप लोगों को हेल्प हो रहा होगा, जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और ये होगा। तो तब तक के लिए ओवर एंड आउट, जय हिंद।